मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब मौसम में सुधार हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकांश जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की उम्मीद है। बैतूल, बुरहानपुर, खरगोन, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, सिवनी, सागर और पांडुर्णा में फुहारे पड़ सकती है। दूसरी ओर दतिया, भिंड, श्योपुर कलां, सीधी, रीवा, मऊगंज, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, मंडला, टीकमगढ़, निवाड़ी और बड़वानी में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। नमस्कार। जैसा कि प्रदेश के ऊपर कोई भी मानसून सिस्टम अभी एक्टिव नहीं होने के कारण मौसम खुला रहेगा, धूप रहेगी और कहीं कहीं कन्वेक्टिव छुटपुट बारिश होने के आसार बने हुए हैं फिलहाल अभी। इसके अलावा प्रदेश में जो है 23 तारीख के आसपास एक नया सिस्टम इंटर होने की संभावना बन रही है। इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ से लगे हुए चले बालाघाट, डिडोरी, मंडला, सिवनी वगैरह में हैवी रेनफॉल होने के चांसेस फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। लोकल भोपाल की बात करें, लोकल भोपाल का ही मौसम खुला रहेगा, धूप रहेगी और बादलों की आवाजाही रहेगी और शाम तक गरज चमक के साथ हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था।